नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके से। कुछ दिनों पहले आपको पता है यहाँ पर एक केमिकल कंपनी में ब्लास्ट हुआ जिसके बाद 9 लोगों की जान गई, लेकिन आज एक बार फिर से एक बड़ी घटना घटी है। बता दें, एक चाइनीज दुकान में, यानी जिसका नाम है सिद्धि चाइनीज सेंटर, और सिद्धि चाइनीज सेंटर के स्टॉल में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद नाव लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें, इस घटना में किसी प्रकार की हताहत होने की खबर तो नहीं, लेकिन यहां पर जो कपल, यानी कि जो रेस्टोरेंट चला रहे थे सिद्धि चाइनीज सेंटर, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें, यहां पर पूरी की पूरी तरह से लापरवाही का मामला देखने को मिला है। बता दें, डोंबिवली में लगातार एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी ऐसी घटना यानी ब्लास्ट है जिसे काफ़ी ज़्यादा ये शहर पूरी तरह से दहल उठा है। लगातार नियमों की अनदेखी की जाने की वजह से, चाहे वो दुकानों में सिलेंडर ब्लास्ट हो या केमिकल में ब्लास्ट हो, जो बॉयलर फटा था 6 दिन पहले, इन तमाम चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन भी अब जो है नींद से जागा है और ऐसे लोगों के खिलाफ धरपकड़ कर रही है। काफ़ी लोगों ने जो है इस बात की आलोचना भी की है कि केमिकल जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ से हटाई जाए, जो चाइनीज सेंटर्स खुले हैं जिसमें अवैध तरीके से चला रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे चाइनीज सेंटरों को भी बंद करने का काम किया जाए। क्योंकि देख सकते हैं आप तस्वीरों में पूरी की पूरी, जी हाँ, बता दें, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद चारों तरफ से पूरा जो इमारत थी वो पूरी तरह से दहल गई, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और जाहिर सी बात है, जब सिलेंडर फटता है तो आसपास के इलाकों में दहशत सी फैल जाती है, क्योंकि लोगों को अंदाजा नहीं होता है कितना बड़ा विस्फोट होगा।